हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे, है ना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने लेक्चर 3 ख़त्म कर लिया है ना, अपना लास्ट क्लास का। तो ट्रिग्नोमेट्री अपना चल रहा है, ध्यान दीजिएगा उसका। ट्रिग्नोमेट्री में अपना लेक्चर 1 लेक्चर 2 हो चुका है ना, और ये लेक्चर 3 अपना जो है ख़त्म हो चुका है, और ये आज का जो होगा वो लेक्चर 4 होगा अपना, है ना। # लेक्चर 4 ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। # लेक्चर 4, है ना। आई थिंक थिंग्स आर गोइंग गुड टुडे, है ना। तो लास्ट क्लास में जो है हमने ये बात की थी कि किसी भी क्वाड्रेंट में, है ना, आप कैसे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आप फाइंड कर सकते हैं, त्रिकोणमिति की चीज़ों को निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, और त्रिकोणमिति के अपने नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, है ना, सिंपल सी बात है कि हम लोग को छोटे छोटे वैल्यूज के बारे में बताया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आज आपको कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में बात करता हूँ ना। जैसे सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज जो है आपका है sin²θ + cos²θ = 1। sin²θ + cos²θ = 1। सेम अगर मैं बात करूँ दूसरा, है ना, अगर मैं कुछ और टर्म की बात करूँ, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ, है ना, sec²θ = होता है आपका 1 + है ना tan²θ। tan²θ बहुत लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, है ना, कि sec²θ, है ना, माइनस tan²θ = 1। साथ ही साथ एक और होता है अपना cosec²θ = 1 + cot²θ, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में इन चीज़ों का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। हम लोग देखेंगे कि इनको क्या कहा जाता है ना, cosec²θ - cot²θ = 1। तो इस चीज़ें ऐसे भी लिखी जाती हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने जो आपको बताया उसको एज इट इज आप समझिएगा, है ना। आपको मन करेगा तो ये वाला याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। फिर इसको कन्वर्ट ही तो करना है, एक दूसरे की जगह भेजना है, कोई लफड़े की बात नहीं है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैंने आपको बताया। इनको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, मतलब त्रिकोणमितीय, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ना, आप बताइए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए थोड़ा हम लोग देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे अच्छे से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए ये क्या बोलेंगे इसको, त्रिकोणमिति सूत्र या फिर त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय मितीय सर्व समीकाएं। क्या बोलते हैं, सर्व समीकाएं, है ना, त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं। अब यहाँ पे पहला सवाल उठता है कि ये आइडेंटिटी अथवा सर्व समीका क्या होती है ना, ये आइडेंटिटी या सर्व समीका क्या होता है, ये आइडेंटिटी और सर्व समीका क्या होता है ना। देखिए आपसे ये सवाल पूछा जाता है बेसिकली, कभी कभी कोई टीचर क्लासरूम में पूछ देता है कि बताइए इसको आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या त्रिकोणमिति सर्व समीका क्यों कहते हैं,
क्यों नहीं समीकरण कहते हैं ना, क्यों नहीं आप जो है समीकरण कहते हैं या इक्वेशन कहते हैं ना, क्यों इसको आप लोग सर्वसमीका कहते हैं, समीकरण क्यों नहीं कहते हैं? तो इसका कारण यह है कि जो समीकरण होता है ना, उस वो क्या होता है, बदलता रहता है ना, वो बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन रख दूं मैं, एक्स प्लस वन ये क्या है, एक समीकरण है। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू चेंज करूंगा तो y की वैल्यू क्या होगी, हमेशा चेंज होगी। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू चेंज करूँ, मान लीजिए यहाँ x वन रखता हूँ तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, टू। x टू रखता हूँ तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, थ्री। तो आप देख पा रहे होंगे y की वैल्यू x की वैल्यू पर निर्भर कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आपका थीटा है, यहाँ पे अगर आप थीटा की कोई भी वैल्यू रख देंगे और इस फार्मूले में रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन हमेशा आएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप थीटा की कोई भी वैल्यू ले लीजिए तो हमेशा क्या रहेगा, वन ही रहेगा। यहाँ पे थीटा की कोई वैल्यू लेके इन दोनों को आपस में घटाएंगे, हमेशा वन ही आएगा। यही कारण है कि इसको हम सर्वसमीका कहते हैं, ना कि कोई समीकरण। क्या, ना कि कोई समीकरण। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, कैसे इसका प्रूफ होता है ना, सिद्ध कीजिए, यानी प्रूफ ना, प्रूफ है ना, बड़ा आसान सा प्रूफ है। साइन स्क्वायर थीटा है ना प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन कैसे होता है ये, चलिए इसको प्रूफ करना हम सीखते हैं, देखते हैं कि कैसे प्रूफ होगा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन कैसे होगा, चलिए इसको देखते हैं। ऐसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये थीटा है, ये आपका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो आपको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, अगर नहीं याद है तो आप लिख लीजिए, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, है ना। तो पी बाई एच ना, पर पी बाई एच तो ये कितना हो जाएगा आपको बताइए, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, है ना, प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपका, बेस बटा एच, मतलब बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर। अगर किसी को ये चीज नहीं समझ में आता है कैसे लिखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, है ना, ये कितना हो जाएगा आपको बताइए, p बाई एच का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, बेस बाई एच का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू वन है कि नहीं, चलिए देखते हैं। इसे सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा आपका, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा बताइए, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इस देखिए बेस सबका सेम है, ऊपर की चीज आपस में ऐड हो जाएगी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर आप पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है आपका, एच स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितने की बराबर हो जाएगी आपकी, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो गया आपका एच स्क्वायर इज इक्वल टू वन। आप देख रहे कट जाएगा ये, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, वन इज इक्वल टू वन। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रूव हो गया ना। तो सेम आप ऐसे ही अदर जो दो यहाँ पे देख रखे हैं, लिख रखे हैं हमने, उसको आप क्या करिएगा, प्रूव करिएगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप उसे कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर एंगल पे अपना थीटा कैसे वर्क करता है। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, अभी मैं त्रिकोणमिति सूत्र के बारे में बात नहीं कर रहा, अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताया ना, एक एक करके चलेंगे, कोई बहुत जल्दी नहीं है अपने को, है ना। चलिए अब देखते हैं, है ना, अब हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए थीटा, अगर आपका थीटा है ना, जैसे मान लीजिए, ऐसे मैं लिखता हूँ, एक चार्ट में बनाने की कोशिश करूँ अगर, है ना, चलिए एक चार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ ऐसे मैं एक चार्ट बनाता हूँ, एक आपका ये हो गया, ये हो गया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये हो गया, ठीक है मेरे प्यारे, लाल पीले नीले काले, है ना, चलो ठीक है मेरे प्यारे लल्लू। देखो यहाँ मैं मान लूँ, यहाँ पे आपने लिखा है साइन थीटा, क्या लिखा है यहाँ पे आपने, साइन थीटा, यहाँ लिखा है आपने कॉस थीटा, यहाँ लिखा है आपने टेन थीटा, है ना, यहाँ लिखा है आपने कॉट थीटा, यहाँ लिखा है आपने सेक थीटा, और यहाँ लिखा है आपने कोसेक थीटा। मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है, जो जहाँ मन करे वहाँ लिख दो, क्या ही फर्क पड़ता है ना। चलिए कोसेक थीटा। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं इसको और इधर की तरफ थोड़ा मैं डिवाइड करता हूँ, ये मैंने डिवाइड किया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, फिर ये मैंने डिवाइड किया, ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत ड्राइंग किया जाए, मज़ा आता है ड्राइंग करने में ना। चलो ये हो गया, ठीक है, पसंद में आया। चलिए ये हो गया आपका एक,
ठीक है दोस्त, ऐसे ही जो है आपको ये मिल गया। ठीक है, कोई आपत्ति किसी को यहां तक में? चलिए, अब जैसे मान लीजिए ये आपका है, जैसे मान लीजिए ये आपका है 0 डिग्री, है ना, ये आपका है 30 डिग्री, ये है आपका 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री, ये आपका है 60 डिग्री और ये है आपका 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। चलिए अब एक एक करके मैं लिखता हूँ, देखिएगा कैसे लिख रहा हूँ मैं, एक एक करके अपन लिखते हैं और आप ध्यान से देखिएगा क्या हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है ना, साइन जीरो, ओहो ये भाई साहब थोड़ा मिस्टेक, थोड़ा इसको जो है ऊपर बनाने का था, चलो कहीं अभी सही कर देते हैं तुरंत ही, कोई लफड़ा नहीं है, है ना, साइन वैल्यू वैल्यू में मैंने लिख दिया इसको, ठीक है ना। चलो से मान लो यहाँ 0 डिग्री हो, यहाँ कितना डिग्री हो 30 डिग्री हो, 0 डिग्री 30 डिग्री हो, यहाँ आपका मान लीजिए 45 डिग्री हो, कितना डिग्री हो 45 डिग्री हो, यहाँ आपका मान लीजिए 60 डिग्री हो और यहाँ मान लीजिए आपका जो है 90 डिग्री है, तब की दिशा में क्या होगा, चलिए देखते हैं। चलिए थोड़ा सही नहीं बन पाया है, ठीक है, चलो प्रयास करते हैं सही करने का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री है आपका, है ना, यहाँ पे कितना डिग्री है आपका, मान लीजिए 30 डिग्री है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए कितना है आपका 45 डिग्री है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए आपका कितना डिग्री है भाई 60 डिग्री है और यहाँ आपका है 90 डिग्री। चलिए इसको देखते हैं एक एक करके, साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 0, साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 1/2, साइन 45 की जो वैल्यू होगी वो आगे आपकी 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होगी आपकी √3/2 और जो आपका साइन 90 होगा वो होगा 1, साइन 90 कितना होगा 1। कॉस लिखते वक्त क्या करते हैं, साइन वैल्यू को पलट के लिखते हैं, मतलब 1 लिख दिया फिर क्या हो गया √3/2 हो गया, फिर क्या हो गया ये आएगा 1/√2 हो गया, फिर क्या जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा, फिर क्या जाएगा आपका 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना, क्या जाएगा आपका 0 डिग्री। टेन 0 कितना होता है, टेन 0 0 होगा, क्यों 0 होगा, कि टेन कितना होता है साइन बाई कॉस होता है, तो 0/1 0 मिलेगा, इसको 1/√2 1/√3 तो कितना जाएगा टेन 30, 1/√3 जिसको निकालना होगा निकाल लेगा, साइन बटा कॉस करेंगे आपको टेन मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ करें तो √2 से √2 कट जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा, है ना, 1 आएगा नहीं आएगा आएगा, यहाँ कितना जाएगा √3 आ जाएगा, आए यहाँ क्या जाएगा √3 आ जाएगा और ये कितना जाएगा 1/0 इन्फिनिटी होगा तो अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। कॉट लिखते वक्त क्या करेंगे, टेन की वैल्यू को पलट देंगे अपन, है ना, तो 1/0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा इसको पलट दो कितना हो जाएगा √3, क्यों पलट दिया हमने भाई, क्योंकि अपने को पता है कि कॉट थीटा कितना होता है 1/tan थीटा, तो बस हो गया यार, है ना, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा आपका 1/√3 हो गया, ये कितना हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। चलिए sec थीटा कितना होता है भाई 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, ये कितना हो जाएगा पलट दो cos थीटा को 2/√3 हो गया, इधर पलट दो cos थीटा को कितना आ गया √2 आ गया, इधर पलट दो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर पलट दो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, ना 0 था तो 1/0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। cos थीटा निकालना है sin थीटा को पलट दो तो 1/0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, 1/1/2 कितना हो जाएगा 2, इसको पलट दो नीचे वाला ऊपर भेज दो, ऊपर वाला नीचे ला दो √2/1, ये बताओ कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3 हो गया भाई, अभी वाला कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा, है ना, कोई मसला नहीं, सारी वैल्यू आप लिख पाए, समझ पा रहे हैं सारी वैल्यूज क्या है, बड़े आराम से, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए ना, कोई वैल्यू किसी कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा तो भाई ये नियम कानून है इसका, कोई बहुत बड़ी कठिनाई तो इसमें है नहीं, है ना, 2/√3, ठीक है, ये तो निकाल लिया आपने, ठीक है। लेकिन तब क्या हो जब आपसे कहे कि साइन 1000 डिग्री की वैल्यू बताइए, साइन 360 डिग्री की वैल्यू बताइए, साइन 540 की वैल्यू बताइए, टेन 660 की वैल्यू बताइए, तब क्या करेंगे, तब वहां पे हम क्या करते हैं क्वाड्रेंट की मदद लेते हैं, जो क्वाड्रेंट नहीं बताया था मैंने 180+θ 270+θ 360+-θ, ये आप देखे हैं ना चीज, तो उसका यूज करते हैं। अब हम उसको सीखेंगे कि कैसे उसको हम कन्वर्ट करते हैं, उससे पहले हम क्या करेंगे थोड़ा साइन एक्स का आपको ग्राफ बताएंगे, क्या बताएंगे साइन एक्स का हम आपको ग्राफ बताएंगे। देखिए साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे होता है,
बड़े बारीकी से देखिएगा, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसे होता है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, इधर पीछे की तरफ भी सेम ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब जहां जहां ये एक्स एक्सिस को कट किया है वो पाई है, पाई ये क्या है 2 पाई, ये क्या है 3 पाई, ये क्या है 4 पाई, ऐसे आगे मिलेगा आपको 5 पाई, ऐसे आगे मिलेगा 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई, ऐसे यहाँ क्या मिलेगा आपको माइनस पाई, माइनस 2 पाई, है ना, ये क्या मिलेगा आप बताइए माइनस 3 पाई, है ना। तो ये बीच में क्या मिलेगा, इन दोनों का एवरेज कर लीजिए, 0 है, 0 प्लस पाई आधा कर दीजिए पाई बाई 2, पाई प्लस 2 पाई कितना होगा 3 पाई, तो बीच में कितना मिलेगा 3 पाई बाई 2, ये कितना मिलेगा आपको बताइए 3 पाई बाई 2। ठीक है, ऐसे 2 पाई और 3 पाई है, कितना है वो आपका 2 पाई और 3 पाई है, तो बीच में कितना होगा 3 प्लस 2 5 पाई, और डिवाइड कर दे 2 से तो कितना मिल जाएगा आपको 5 पाई बाई 2, कितना मिल जाएगा बीच में आपको 5 पाई बाई 2, है ना, ये कितना मिल जाएगा आपको 3 पाई बाई 2, ये कितना मिल जाएगा आपको पाई बाई 2। ठीक है ना, बात समझ में आया। ठीक है, यहाँ कितना मिलेगा आपको 7 पाई बाई 2, कितना मिलेगा आपको 7 पाई बाई 2, ऐसे यहाँ आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको बताइए 9 पाई बाई 2, क्या मिलेगा आपको 9 पाई बाई 2। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। ऐसे पीछे की तरफ भी आप लिख लेंगे दोनों का, है ना, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2, माइनस 7 पाई बाई 2। जो ये वैल्यू है यहाँ पे, जो मैक्सिमम पीक दे रहा है आपका यहाँ पे, ये कितना दिखा रहा है 1 को, किसको दिखा रहा है ये 1 है, और जो मिनिमम वैल्यू यहाँ नीचे आ रही है वो क्या है आपकी माइनस 1 है, कितनी है वो आपकी माइनस 1 है, और ये जो वैल्यू आ रही है आपकी वो कितनी है प्लस 1 है। तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी होती है प्लस 1, और जो मिनिमम वैल्यू होती है कितनी होती है वो माइनस 1। साथ ही साथ यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो साइन पाई पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट किया है ना, तो जहाँ पे एक्स एक्सिस कट करेगा वहाँ क्या होगा वैल्यू 0 होगा, तो साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, साइन 6 पाई, साइन 8 पाई, साइन 9 पाई, सबकी वैल्यू क्या होगी 0। मतलब अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी 0, है ना, साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी बताओ 0, लिख दो साइन 3 पाई इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ 0, क्योंकि क्यों 0 होगी भाई बता दोगे सर ग्राफ में एक्स एक्सिस को देखिए कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को कट करेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर आपसे पूछे साइन एन पाई की वैल्यू बताइए कितना होगा, साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होगी बताइए 0 हो जाएगी वो भी भाई, एन की जगह कुछ भी रखेंगे 0 हो जाएगा, है ना, क्या रखेंगे एन, वहां पे क्या होना चाहिए आपका इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव सब इंक्लूड हो जाएगा, एन क्या होगा आपका इंटीजर, है ना, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। साइन एन पाई की वैल्यू कितने 0, अगर आपसे पूछा जाए साइन 3000 पाई की वैल्यू बताइए, पाई मतलब कितना, पाई मतलब कितना 180 ना, हाँ क्योंकि भाई डिग्री में है ना यहाँ पे, कितना रख रहे हो साइन पाई 180 डिग्री, ये सब डिग्री में रख रहे हैं ना, एन पाई सब डिग्री में चाहिए अपने को, है ना, चलो ठीक है। तो ये इस तरह से साइन एन पाई की जो वैल्यू होगी आप कितनी जाएगी, इसे मान लीजिए 18 54 540, साइन 540 डिग्री की बात मैं पूछूं, अगर मैं पूछूं आपसे कि साइन 540 डिग्री की वैल्यू बताइए कितना होगा, पाई मतलब कितना होता है 180, तो 540 को लिख सकते हो 3 × 180 डिग्री, और 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो पाई 3 पाई हो गया, कितना हो गया 3 पाई, अरे नहीं हो गया भाई, भाई 180 डिग्री कितना हो गया 3 पाई, कैसे सर, अरे यार बताए तो थे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई लिखते हैं, जहाँ पे 180 लिख दिया वहाँ पाई को रिप्रेजेंट कर देंगे, पाई हो गया 3 पाई, तो 180 में 540 और 3 पाई वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, क्योंकि सर आपको पता है कि वैल्यू 0 होगा, तो साइन एन पाई की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए ऐसे ही थोड़ा मैं बात कर लूँ कॉस की, बात कर लेता हूँ मैं, है ना, कॉस के ग्राफ की थोड़ी मैं अब चर्चा कर लेता हूँ कि कॉस एक्स का ग्राफ कैसे, जानबूझ के थोड़ा मैं छोटा छोटा आपको ग्राफ बता रहा हूँ ताकि आप जान जाइए। चलिए अगर मैं कॉस एक्स के ग्राफ की बात करूँ, ऐसे जा रहा है बहुत, मैंने चौड़ा बना दिया, थोड़ा तो चौड़ा बनाते निकल गया, हालांकि सही नहीं है, तुम लोग कैसे बनाना बता, बताऊं कैसे बनाना, तुम लोग क्या करना, पहले एक जगह यहाँ मार्क कर लेना, एक जगह यहाँ मार्क कर लेना, फिर क्या करना वहां से डॉटेड लाइन खींच लेना, हालांकि मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ ना, इसीलिए इतना ज्यादा मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, यहाँ से डॉटेड लाइन खींच लेना ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ से जो है आप डॉटेड लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है, पसंद में आया, अब आराम से बनाइए, क्योंकि आपको पता चल गया कितने कितने के बीच में रखना है, यहाँ तक लाया फिर आराम से उठाए फिर इसे ले गए,
आराम से उठाए ऐसे ले गए, है ना, आराम से उठाए ऐसे ले गए, आराम से उठाए, तो ऐसे आप बनाते हुए जो है चले जाइएगा, है ना। बात समझ में आया? चलिए अब यहाँ पे क्या होगा भाई, ये 0 डिग्री होता है, ये कितना हो जाएगा आपका बताइए, कितना होगा पाई बाई टू, कितना होगा आपका ये पाई बाई टू, है ना, ये कितना होगा आपका 3 पाई बाई 2, कितना होगा 3 पाई बाई 2, ये कितना होगा आपका बताइए 4 पाई बाई 2, ये कितना होगा बताइए आपका 5 पाई बाई 2, है ना। कॉस 90 जीरो होता है ना, तो 190 पे कट करेगा जीरो हो जाएगा, 90 मतलब 90 डिग्री मतलब कितना पाई बाई टू, बोलो भाई 90 डिग्री मतलब कितना पाई बाई टू। जैसे मान लो मैं काम करता हूँ, यही बता देता हूँ, 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे बताओ पाई बाई सिक्स, 60 डिग्री को रेडियन में कितना लिखेंगे बताओ पाई बाई थ्री, है ना, 90 डिग्री को रेडियन में कितना लिखेंगे बताओ पाई बाई टू, है ना, 45 डिग्री को रेडियन में कितना लिखेंगे बताओ पाई बाई फोर, है ना, नहीं लिखेंगे, ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, बोलो 180 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे बताओ पाई लिखेंगे, ये तो बताया तो था मैं सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें बता चुके हैं आप लोग, पता नहीं क्यों ध्यान दीजिए थोड़ा, है ना, ऐसे हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा बबुआ, 3 पाई दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 4 पाई बाई 2 बाई 2 यानी पाई हो गया, इसको मैं अलग पेन से ले देता हूँ ज़्यादा सही रहेगा ताकि पता चलेगा, ये कितना हो गया आपका बताइए, ये वाली जो वैल्यू हो गई कितनी हो गई आपकी पाई हो गई, ये कितना हो जाएगा आपका बीच में 2 पाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताइए बीच में 3 पाई हो जाएगा, ये बताइए कितना हो जाएगा बीच में आपका 4 पाई हो जाएगा, है ना, देखो पाई 4 3 7 नहीं नहीं 3 4/2 2 पाई बाई 2 पाई पाई, तो पाई बाई टू प्लस पाई प्लस पाई बाई टू प्लस पाई 3 पाई बाई, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना, पाई यहाँ पे होगा सही है ना, क्योंकि कॉस आपका जो होगा कॉस पाई की वैल्यू कितनी होगी, कॉस पाई की वैल्यू की -1 होगी, कॉस 90 प्लस 90 प्लस थीटा साइन -90 ना, -sin 90 मतलब माइनस, ठीक है यानी -1 यानी ये पाई होगा, ठीक तो है ये पाई, है ना, पाई हो गया 3 पाई बाई 2, ये आपका जो मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया था, ये आपका होगा 5 पाई बाई 2, वही मैं कह रहा हूँ कहाँ गड़बड़ी हो रही है, ये आपका होगा 3 पाई के बाद क्या होगा 5 पाई बाई 2 होगा ना, ये कितना हो जाएगा 7 पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है सही कर लेना, ये तुम्हारा हो जाएगा 7 पाई बाई 2, ऐसे ही निकालोगे कितना हो जाएगा तुम्हारा 9 पाई बाई 2, है ना, ऐसे ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 11 पाई बाई 2। अब बीच वाले को लिखने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, वही करते हैं, ये कितना हो जाएगा आपको बताइए 2 पाई, ऐसे ये निकालेंगे आपको क्या मिलेगा बताइए 3 पाई, ऐसे निकालेंगे क्या मिलेगा आपको 4 पाई, ऐसे निकालेंगे कितना मिलेगा आपको 5 पाई। देखिए जहाँ जहाँ पे पाई ऑड है मतलब 1 पाई 3 पाई, है ना, 5 पाई, वहां पे क्या मिल रहा है वैल्यू -1, और जहां जहां पे पाई इवन है मतलब कॉस 2 पाई कॉस 4 पाई, है ना, कॉस 6 पाई कॉस 7 पाई, है ना, बस समझ रहे ना मेरी, कॉस 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, वो सब क्या होगा 1 मिलेगा, है ना, क्योंकि ऊपर जहाँ ग्राफ है वो 1 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है +1 को, ये -1 को, देखो पाई बाई टू पे वैल्यू कितना है 0, 3 पाई बाई 2 पे 0, 5 पाई बाई 2 पे 0, 7 पाई बाई 2 क्यों 0 है भाई, क्योंकि तो देखो यहाँ पे x एक्सिस को कट कर रहा है ना पाई बाई टू पे, जब x एक्सिस पे कट करे तो वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 0, यानी cos जो होगा आपका, है ना, 2n+1 ऑड मल्टीपल अगर पाई बाई टू का होगा, देखिए यहाँ यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये कितना है पाई बाई टू इंटू 3 है, पाई बाई टू इंटू 5 है, पाई बाई टू इंटू 7, इसको कह सकते हैं पाई बाई टू इंटू 9, मतलब ऑड मल्टीपल है ना पाई बाई टू का, मतलब एन की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे तो कितना मिलेगा 0, रखोगे तो पाई बाई टू, 1 रखोगे तो 3 पाई बाई 2 रखोगे तो मिलेगा, वो कितना होगा हमेशा 0, कॉस अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है तो क्या होगा 0, ऐसे मान लिया आपसे पूछा जाए कॉस 771 पाई बाई टू की वैल्यू बताओ 0, क्योंकि 771 क्या है ऑड है, उसके लिए कितनी मिल जाएगी आपको 0, ठीक है कोई दिक्कत। अगर आपसे पूछा जाए कॉस 7 पाई की वैल्यू बताओ तो ऑड वाला है, तो ऑड वाला क्या देगा -1 देगा, देखो बना के देख लोगे, है ना, समझ में आया, कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू कितना देगा हमेशा 0 देगा। जैसे मान लीजिए आपसे मैं पूछ लूं कॉस 15 पाई बाई टू की वैल्यू बताओ कितना होगा, क्या लिख दोगे 0, क्यों ऑड मल्टीपल है पाई बाई टू का, और कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू कितना होता है 0, ठीक है ना, बात समझ में आया, ये कर लोगे, चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब जैसे मान लीजिए कई सारे क्वाड्रेंट आपको दिए हो, है ना, अब हम देखते हैं कैसे करते हैं वो वैल्यू, है ना,
जैसे मान लीजिए एक एक करके देखें तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, फर्स्ट, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये आपका क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये आपका क्या है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट है। ये आपका क्या है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ पे क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे होता है ऑल पॉजिटिव, बहुत मार खाओ, यहाँ होता है ऑल पॉजिटिव, यहाँ क्या होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ क्या होता है टैन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चलूँ तो क्या डिग्री हुआ भैया, 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। अगर मैं यहाँ से बैठ के यहाँ पे पहुँच जाऊँ तो कितने डिग्री एंगल चला मैं, 90 डिग्री। तो उसके बिचवा में, जैसे मान लो मैं यहाँ से लखनऊ से दिल्ली जा रहा हूँ, जैसे मान लो गोरखपुर से मैं लखनऊ जा रहा हूँ, तो मैं बस्ती में ही रुक गया, तो मैंने लखनऊ से कम दूरी तय की ना, तो ये क्या है आपका 0 डिग्री है, मान लीजिए 0 डिग्री की लाइन है, 0 डिग्री से मैं बढ़ा 90 डिग्री तक पहुँच गया, तो बीच में कितना चला होगा, 90 से कम ना, तो 90 माइनस थीटा, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ चला 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 यहाँ तक पहुँच गया, मतलब पूरा 180 तक आ गया कि नहीं आ गया, बोलो बोलो भाई, पूरा मैं 180 पे आया नहीं आया, यहाँ से यहाँ चल के 180 पे आया कि नहीं आया, बोलो। हाँ, लेकिन इसके बीच में क्या चला, इसके बीच में क्या चला, 180 से कम चला, तो यहाँ कितना आ गया आपका, देखिए 180 माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है, लेकिन जैसे आगे बढ़े तो 90 से ज़्यादा बढ़े, मतलब ज़्यादा बढ़े तो थीटा ही बढ़े होंगे ना, एंगल में चल रहे हैं, तो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। ये बात समझ गए सेकंड क्वाड्रेंट का। चलिए अब अपन चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, हम चलते हैं अब थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से यहाँ तक कितना है, 180 डिग्री है, इससे जैसे आगे बढ़े तो 180 से ज़्यादा बढ़े, कितना हो गया, थीटा ही आगे बढ़ेंगे ना, 180 प्लस थीटा। अब मेरी बात सुनना, 180 से आगे बढ़े तो 180 प्लस थीटा, अब पूरा यहाँ तक चले गए तब 270 डिग्री, कैसे भाई, 90 डिग्री है 180 डिग्री और 90 डिग्री भी तो है 270 डिग्री, 270 हो गया यहाँ तक, लेकिन इसके बीच में क्या होगा, 270 से कम ही होगा ना, यहाँ कितना हो जाएगा 270 माइनस थीटा। बात समझ गया मेरी, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, चलो ठीक है। अब जरा ध्यान से मेरी बात देखना, यहाँ चले 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 90 80 270 से आगे बढ़े तो कितना बढ़े आगे, 270 प्लस थीटा, भाई एंगल में ही तो बढ़ रहे हो आगे, 270 प्लस थीटा बढ़े हो गए, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ से चलना शुरू किया यहाँ तक आ गए, पूरा कितना आ गया 360, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना 90, यहाँ से यहाँ तक कितना 90 180, फिर यहाँ से 90 270, फिर यहाँ से पूरा यहाँ तक पहुँच गया 360, लेकिन इसके अंदर कितना होगा, 360 से कम ही होगा, कितना हो गया 360 माइनस थीटा, यहाँ तक कितना था 360 था, इसके जैसे आगे बढ़े तो क्या बढ़ गए, थीटा आगे बढ़ोगे 360 से ज्यादा चले गए, तो कितना हो गया 360 प्लस थीटा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए बात समझ गए, नहीं समझ में आ गए तो वीडियो दोबारा देखिएगा, है ना। चलिए ये हो गया, ठीक सर ये बात तो समझ में आ गई हम लोगों को, आपने जो बताया। और यहाँ पे एक और क्या होता है, माइनस थीटा, ये भी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक और क्या होता है, माइनस थीटा। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, जो सी लिखा है, जो ए लिखा है, जो एस लिखा है और जो टी लिखा है, ठीक है। ये बात समझ में आया, क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। मैं फिर बता देता हूँ आपको, यहाँ से यहाँ चले पूरा 90 डिग्री चले, तो इसके अंदर कितना होगा, 90 से कम है। अब यहाँ से जैसे आगे बढ़े ये 90 था, अब यहाँ भी आ गए 90 से ज़्यादा बढ़ गए, 90 से ज़्यादा बढ़े तो एंगल में तो बढ़े हो गए ज़्यादा, तो क्या जोड़ दें, थीटा जोड़ दें, 90 ज्यादा मतलब 90 प्लस थीटा। लेकिन जैसे यहाँ से और आगे बढ़े इस लाइन तक पूरा आ गए यहाँ तक, तो पूरा 180 हो गया, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, 180 से कम होगा, कितना हो गया 180 माइनस थीटा। अब यहाँ तक पूरा 180 था, इसके आगे बढ़े 180 ज्यादा चले गए, 180 प्लस थीटा। अब इस पूरे लाइन तक आ गए, देखो 90 डिग्री ये था, 90 डिग्री 80, 180, फिर ये 90 कितना होगा 270, 180 प्लस 90 270 हो गया। यहाँ तक पूरा कितना हो गया 270, मान लो यहाँ से तुम चलना शुरू किया, ऐसे चलना शुरू किया, ये पूरा कितना चले 270, लेकिन इसके अंदर कितना होगा 270 से कम होगा, 270 माइनस थीटा। ऐसे 270 यहाँ तक चल लिए थे, आगे बढ़े 270 में कुछ जोड़ दिए प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा हो गया, ठीक है। अब पूरा चलना शुरू किया, ठीक है ना। अब क्या किया, यहाँ से पूरा चलना शुरू किया 90 180 270 और ये 360,
तो इसके अंदर क्या होगा, 360 से कम होगा, 360 माइनस थीटा, आगे बढ़ गए 360 प्लस थीटा, ठीक है। और ये माइनस थीटा बस तुम्हें एडिशनल याद रखना पड़ेगा, माइनस थीटा भी यहाँ होता है, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में आई, इन सब की हेल्प लगेगी तुमको, अभी मैं बता रहा हूँ, याद नहीं करना पड़ेगा, समझ लोगे तो कभी याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी क्या लगेगी, हेल्प लगेगी, ठीक है। ये चीज हो गया, इसके बाद थोड़ा देखते हैं। जैसे मान लो ऐसे दे रखा है, अब ध्यान सुनना मेरी बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल मतलब क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, क्या ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होता है भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, एस होता है, एस का मतलब क्या हो गया भाई आपका, साइन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल मतलब कोसेक थीटा, ये क्या होता है, पॉजिटिव रेसिप्रोकल है ये, है ना। ए एस के बाद क्या आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है भाई आपका, टी आता है, टी मतलब टेन थीटा, टेन थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल मतलब वन बाई टेन थीटा मतलब कॉट थीटा, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर मैं बात करूं फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आता है, सी, ए एस टी सी, ए एस टी सी, सी का मतलब क्या हो गया भाई आपका, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल मतलब सेक थीटा, ये क्या होगा आपका बताइए, पॉजिटिव होगा, ठीक है, पसंद में आया। और साथ ही साथ क्या पॉजिटिव होगा, माइनस थीटा जो आएगा आपका वो यही होता है, मतलब वो पॉजिटिव नहीं होगा, है ना, कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होगा, उसके अलावा कोई पॉजिटिव नहीं होगा। तो इन दोनों की हेल्प लगेगी, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, है ना, अपोजिट रिलेशन बता दूं आपको, अपोजिट रिलेशन विलोम संबंध, विलोम संबंध, है ना, अपोजिट रिलेशन मतलब क्या, विलोम संबंध, विलोम संबंध, है ना, विलोम संबंध बता दूं। जैसे मान लो साइन थीटा है, साइन थीटा का विलोम क्या होगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का विलोम क्या होगा, साइन थीटा। व्युत्क्रम और विलोम में अंतर है, व्युत्क्रम पूछेगा तो क्या होगा, कोसेक थीटा, विलोम पूछेगा तो क्या होगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का साइन थीटा, दो तरफ विरोध लगाया मैंने, है ना। टेन थीटा का विलोम क्या होगा भाई, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का विलोम क्या होगा, टेन थीटा, ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ पे, सेक थीटा, सेक थीटा का विलोम क्या होगा भाई, कोसेक थीटा, क्या होगा, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का विलोम क्या होगा भाई, सेक थीटा। एक बात तो आपको ये भी दिमाग में रखनी है, कंठस्थ रखनी है, दूसरी बात क्या याद रखनी है, जब भी आप एंगल में चेंज करेंगे, मतलब साइन 90 प्लस थीटा, तो उसके व्युत्क्रम में चेंज होगा कॉस थीटा, है ना। ऐसे ही अगर आप चेंज करते हैं साइन 270 प्लस थीटा, तो व्युत्क्रम में चेंज होगा, कॉस उसमें आएगा, कॉस थीटा समथिंग आएगा, अभी देखते हैं क्या आता है ना, अभी प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही 180 और 360 आएगा, तो 180 और 360 पे कोई चेंज नहीं होता है, मतलब 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, अभी करूंगा समझ में आएगा, 360 माइनस थीटा, नो चेंज, जो जैसा है वैसा रहेगा, क्या होगा, नो चेंज, मतलब साइन का कॉस नहीं होगा, अपने विलोम में चेंज नहीं होगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा चेंज होने के बाद, टेन टेन रहेगा चेंज होने के बाद, कॉट कॉट रहेगा चेंज होने के बाद, सेक सेक रहेगा चेंज होने के बाद, कोसेक कोसेक रहेगा सेक होने के बाद, नो चेंज, क्या होगा, नो चेंज, जो जैसा वो, जो जैसा वैसा, है ना, जो जैसा वैसा ही, जो जैसा है वैसा ही, है ना, मतलब कपड़ा वो नहीं बदलेगा, है ना, वो जैसा है वैसा ही, मतलब कपड़ा नहीं बदलेगा, कैसे भाई साहब। और साथ ही साथ माइनस थीटा पे भी ऐसा होता है ना, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लिखता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या है, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, है ना, साथ ही साथ क्या है आपका, सारे एंगल होंगे, बस वो पॉजिटिव होंगे, इसमें भी सभी एंगल है छह, बस इन छह में ये सब पॉजिटिव है, बाकी बाकी क्या है, नेगेटिव, बाकी क्या होगा भाई, नेगेटिव, यहाँ सिर्फ ये पॉजिटिव है, तो बाकी क्या होंगे भाई, बाकी क्या होंगे बताओ, नेगेटिव।
यहाँ सिर्फ ये पॉजिटिव है तो बाकी क्या होंगे बताओ भाई, नेगेटिव, ठीक है ना, सब लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी क्या होंगे नेगेटिव, कॉस सेक को छोड़ो तो बाकी क्या होगा नेगेटिव होगा, साइन है ना, टेन कोसेक, अब क्या होगा कॉट क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए अब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूँ और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लिखता हूँ, तो देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है भाई, 90 माइनस थीटा होता है और क्या होता है 360 प्लस थीटा होता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है अपना फर्स्ट, ये एक्स हो गया अपना और ये वाई हो गया, ये क्वाड्रेंट कौन सा है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मैं लिखता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। चलिए तो मैं लिखता हूं साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, देखो साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, अब इसको लिखने से पहले क्या क्या देखेंगे, पहले ये पता लगाएंगे कि जो 90 माइनस थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो कौन से क्वाड्रेंट में है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सब पॉजिटिव, ठीक, सब पॉजिटिव, और ये इस फोटो में से है क्या 180 360 माइनस थीटा लिखा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो पहला क्या चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सब पॉजिटिव, साइन साइन का अपोजिट क्या होता है कॉस थीटा, तो किसमें चल जाएगा ये कॉस थीटा में, ठीक, ऐसे ही लिखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, अपोजिट एंगल में चेंज होगा रेसिप्रोकल में नहीं है ना, कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सब पॉजिटिव, कॉस है कॉस 90 माइनस थीटा है तो कॉस का अपोजिट क्या होता है साइन थीटा, यहां लिख देंगे क्या साइन थीटा, खुश कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही टेन के लिए लिखिए जरा कितना हो जाएगा आपका, देखिए टेन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा भाई आपका कॉट थीटा, कैसे लिखे भाई पता लगाएंगे कि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो कौन से क्वाड्रेंट में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, टेन है तो टेन का अपोजिट क्या होता है, टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट होता है, तो कॉट लिख दिया, ऐसे ही कॉट लिखेंगे है ना, कितना हो गया आपका कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या खासियत होती है सब पॉजिटिव होता है ऑल पॉजिटिव, कॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा टेन थीटा, यहाँ लिख लेते हैं टेन थीटा, कोई मसला है टेन थीटा लिखने में, नहीं, अब जो बचा है और लिखते हैं, जैसे क्या बचा रह गया sec 90 माइनस थीटा, सभी के लिए लिखेंगे छः छः है ना 90 माइनस थीटा, तो sec 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा भाई, पता लगाएंगे कि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो जरा बताइए 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में भाई, 90 माइनस थीटा जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बोलो कौन से क्वाड्रेंट में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की खास बात क्या होती है सब पॉजिटिव, क्या होती है सब पॉजिटिव, ठीक, तो sec का अपोजिट कितना होता है cosec, खत्म बात, सर यहाँ अपोजिट की बात करनी है, मैंने अपोजिट लिखवा दिया, देखो इसीलिए मैंने अपोजिट लिखवा दिया है ना, साइन का अपोजिट cos, cos का अपोजिट साइन, tan का अपोजिट cot, cot का अपोजिट tan, sec का अपोजिट cosec, cosec का अपोजिट sec, ठीक है, तो ये कितना जाएगा आपका cosec थीटा, कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्त cosec थीटा, कोई मसला यहां तक बताओ, ये क्या हो गया आपको बताइए cosec थीटा, इज देयर एनी प्रॉब्लम टू यू, नहीं ना, चलिए इसके बाद मैं बात करता हूँ cosec लेता हूँ, कोसेक 90 माइनस थीटा लेता हूं, तो कोसेक 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा आपको बताइए sec थीटा, कितना हो जाएगा आपका sec थीटा, sec थीटा, ठीक, ये 90 माइनस थीटा के लिए था, कोई दिक्कत नहीं, सब पॉजिटिव है क्योंकि ऑल पॉजिटिव होता है, तो अब चेंज होने के बाद क्या होगा पॉजिटिव ही रहेगा ना, बात समझ में आया, ठीक, सबसे पहले क्या देखेंगे 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है फर्स्ट, फर्स्ट में क्या होता है सब पॉजिटिव, साइन है साइन का अपोजिट कॉस थीटा हो गया, पॉजिटिव होगा ये क्यों, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में था तो चेंज होने के बाद पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है ऑल पॉजिटिव, ऐसे ही 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है फर्स्ट में, पीछे क्या लगा है कॉस, ठीक, कॉस का अपोजिट कितना होगा साइन, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, सब ऐसे ही देखना है, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं 360 प्लस थीटा के लिए लिखते हैं, तो अब मैं लिखता हूं 360 प्लस थीटा के लिए साइन 360 प्लस थीटा बताओ कितना होगा, अब चेक करना पड़ेगा 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में, ठीक, इसके पीछे क्या लगा है साइन, तो साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा कॉस, ना ना यहाँ पे गलती नहीं करना है, मैंने क्या बोला कि 360 प्लस थीटा हो या 360 माइनस थीटा हो या 180 प्लस थीटा हो 180 माइनस थीटा हो या सिर्फ माइनस थीटा हो,
तो अपने अपोजिट में चेंज नहीं होगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखो तो 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब पॉजिटिव। और 360 प्लस थीटा है तो 360 पे कोई चेंज नहीं होता, हमको पता है जो जैसा है वैसा रहेगा। साइन है तो क्या रहेगा यहाँ पे, साइन थीटा, खत्म बात। ऐसे ही लिखते हैं कॉस 360 प्लस थीटा के लिखते हैं भाई। तो सबसे पहली बात क्या देखेंगे, 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा ठीक, फर्स्ट में क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है, यानी चेंज होने के बाद जो भी वैल्यू इक्वल के बाद आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो 360 पे, 360 प्लस थीटा पे क्या अपोजिट में चेंज होगा, नहीं नहीं सर बताए थे चेंज नहीं होगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा ना, तो वैसा ही लिख देना है। तो कॉस 360 प्लस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा। ऐसे लिखिए टैन को, लिखिए टैन 360 प्लस थीटा कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त, सेम वही चीज टैन थीटा, है ना, आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करते हैं। ऐसे ही लिखते हैं कॉट, अब क्योंकि पॉजिटिव हो रहा है सारा, इक्वल के बाद सब पॉजिटिव आ रहा है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा आपका, कॉट थीटा। ऐसे ही सेक 360 प्लस थीटा कितना हो जाएगा आपको बताइए, सेक थीटा, है ना। ऐसे ही कोसेक 360 प्लस थीटा क्या होगा बताइए, कोसेक थीटा। ये किसके लिए था सब भाई आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए था ना, खेल खत्म। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट पे, अब किस पे चलते हैं हम लोग, सेकेंड क्वाड्रेंट पे चलते हैं, देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या था भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या था यार, सेकेंड क्वाड्रेंट में था सर 90 प्लस थीटा, क्या था 90 प्लस थीटा सर, क्या था 90 प्लस थीटा था, और क्या था, और क्या था, एक था आपका सर 180 माइनस थीटा भी तो था, हाँ 180 माइनस, चलिए इसके लिए लिखते हैं, सब वैसा ही लिखेंगे। सबसे पहले साइन के लिए लिखते हैं, कितना हो गया आपका ये साइन 90 प्लस थीटा। अब अपना वही काम, यहाँ क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्या होता है भाई सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्या होता है यस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है ए, सेकेंड में क्या आता है यस, देखो सेकेंड में क्या आता है यस, सेकेंड में क्या आता है यस, है ना। देखो यहाँ पे क्या था एस था, यहाँ क्या था ए था, यहाँ क्या था टी था, यहाँ क्या था सी था, सर सेकेंड में तो आता है यस, मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव। तो सारी बातें लिख लेना यहाँ पे, सारी बातें जो है यहाँ पे लिख लेना, टर्न से छोड़ना नहीं तो मसला हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट अपना यही है, बोलो सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे क्या आता है ए, यस यस आता है सर, यस का मतलब क्या हो गया साइन थीटा, और क्या हो गया कोसेक थीटा, और क्या हो गया कोसेक थीटा, ये क्या होता है पॉजिटिव, इसके अलावा बाकी जो होगा वो क्या होगा नेगेटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा है, फिर वही बात 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है भाई, अरे यार ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक 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 सेकेंड क्वाड्रेंट, चलो बात सही है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है यस आता है, यस मतलब क्या साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव। और चूंकि 90 है, 180 360 तो है नहीं, 90 है तो अपने अपोजिट में चेंज होगा, अपने अपोजिट में क्या होगा चेंज होगा, तो साइन का अपोजिट कितना कॉस थीटा, पॉजिटिव की नेगेटिव पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट है, साइन थीटा पॉजिटिव और कोसेक थीटा पॉजिटिव। अब मैं लिखता हूं कॉस थीटा की बारी आती है, कॉस 90 प्लस थीटा बताओ कितना होगा, फिर से वही सवाल करोगे 90 प्लस थीटा तुम कौन से क्वाड्रेंट में हो, सर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में हूं, अच्छा 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 सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव, तो कॉस थीटा आ गया ना, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा क्या, नहीं, कॉस थीटा क्या होगा नेगेटिव, तो कॉस का अपोजिट कितना होता है साइन, तो माइनस साइन थीटा, क्यों भाई नेगेटिव होगा कॉस थीटा, उसकी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी, ठीक। चलो ऐसे ही लिख लो टेन, समझ गए टेन 90 प्लस थीटा, फिर वही सवाल 90 प्लस थीटा आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं, सर मैं हूं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट की खास बात क्या होती है, साइन थीटा और कोसेक थीटा की ही वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि 90 है तो अपोजिट में भी चेंज होगा, तो tan 90 प्लस थीटा कितना होगा माइनस कॉट थीटा होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अब मैं लिख देता हूं बाकी वैल्यू, आप लिखिएगा कॉट 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा बताइए, माइनस
टेन थीटा, ऐसे ही क्या हो जाएगा आपको देखिए, सेक 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा बताइए, माइनस माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, ऐसे ही बताइए कोसेक 90 प्लस थीटा कितना होगा बताइए, माइनस होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा, कोसेक का क्या होगा सेक, कोसेक का क्या होगा सेक, कोसेक का अपोजिट क्या होगा सेक, क्यों पॉजिटिव हुआ भाई, सेकंड क्वाड्रेंट है, कोसेक थीटा और साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, ये क्या दे रहा है, वैल्यू आ रही है ना लेफ्ट राइट साइड में, वैल्यू आ रही है, तो वैल्यू पॉजिटिव होती है इसकी सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन थीटा और कोसेक थीटा की, ठीक। अब मैं लिखता हूँ 180 के लिए, देखिए ऐसे ही लिखता हूं मैं 180 के लिए, चलिए साइन 180 माइनस थीटा, अब दिमाग दौड़ाइए, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, अब 180 पे अपोजिट में चेंज होगा नहीं, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। चलिए अब कॉस की बारी आ गई, अब कॉस 180 माइनस थीटा कितना होगा बताइए, बताइए बताइए, माइनस माइनस क्या साइन, नहीं अपोजिट में चेंज नहीं होगा, माइनस कॉस थीटा, क्यों माइनस कॉस थीटा भाई, क्योंकि पता है आपको कि साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होगा, इसके अलावा बाकी सब क्या होगा नेगेटिव होगा, है ना, तो माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही टेन लिख देता हूं मैं, है ना, टेन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बताइए, माइनस टेन थीटा, है ना, माइनस टेन थीटा। फिर ऐसे लिख देता हूँ मैं कॉट का, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं इसमें, ये तो आपका सर दर्द करने लगेगा, बाउंस हो जाएंगे, है ना, तो ये अभी मैं इसको लिख दूंगा, लास्ट होगा आपको ना, इसके बाद हम लोग लेक्चर 5 में देखेंगे, है ना, कॉट थीटा। चलो उसके बाद क्या हो गया आपका, देखिए ये सेक 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस सेक थीटा कोसेक 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा मेरे भाई, कोसेक थीटा, पॉजिटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, देखिए साइन और कोसेक क्या आया है आपका, पॉजिटिव आया है, बाकी क्या हो गया है नेगेटिव, पर आपको पता है कि 180 प्लस थीटा हो चाहे 180 माइनस थीटा हो, चाहे 360 प्लस थीटा हो चाहे 360 माइनस थीटा हो, या खुद माइनस थीटा सिर्फ हो, तो उस पर नो चेंज, अपोजिट में नहीं लिखते, जबकि 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा में हम अपोजिट में चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देता हूं मैं, है ना, आज की क्लास में मैं इतना ही रहने देता हूं, ताकि आपका सर में दर्द ना हो। फिर से बता दूं मैं कि हम लोग जो है नए सिलेबस को पढ़ा रहे हैं पॉलिटेक्निक सेमेस्टर के, है ना, हर सेमेस्टर में जो है आपका ये सब्जेक्ट कॉमन होने वाला है, मैथमेटिक्स फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, है ना। संपर्क करने के लिए आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप है आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स, है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स, मैथ खत्म होने के बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको केमिस्ट्री, ना सारे लेक्चर्स आपको फ्री में मिलेंगे, बट आपको पीडीएफ के लिए 11 रुपये खर्च करना पड़ेगा, तब जाके आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं, उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, जो बच्चे नए जुड़े होंगे, नए जुड़ रहे होंगे, वो कृपा करके जो है पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर देख के ही चौथा लेक्चर देखेंगे, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। आज के लेक्चर में आप लोग इसको एक दो बार देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, जो बातें मैंने बताई हैं उसको एकदम बारीकी से लिख कर प्रैक्टिस करके समझिएगा, आपको समझ में एकदम आएगा, नहीं समझ में आता है तो मैं फिर इसको बता दूंगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।